हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज किस नए वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में चर्चा करूंगा जो एनटीपीसी का वैकेंसी आने वाला है, इसमें कौन कौन से पोस्ट का वैकेंसी आएगा तथा उस पोस्ट का दोस्तों आपका लेवल क्या रहेगा, ग्रेड पे कितना रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इतना चीज़ दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सभी पोस्ट का जो जॉब प्रोफाइल होता है, जॉब प्रोफाइल के बारे में तथा सैलरी के बारे में दोस्तों मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एनटीपीसी का जितने भी कौन कौन से पोस्ट का वैकेंसी आएगा उसके बारे में दोस्तों मेनली चर्चा करूंगा। और दोस्तों ये भी चर्चा करूंगा कि कौन कौन से पोस्ट का दोस्तों डायरेक्ट वैकेंसी आता है तथा किस किस पोस्ट में दोस्तों आपको प्रमोशन के थ्रू, डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू दोस्तों आप आगे तक जा सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों मैं चर्चा करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे एनटीपीसी में फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आप बुक को लेकर परेशान हैं कि कौन कौन से बुक को फॉलो करें, तो दोस्तों आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं आपको बुक बताने जा रहा हूँ, अगर इतना बुक दोस्तों अगर फॉलो कर लेते हैं दोस्तों आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों ये एनटीपीसी का पूरा कंप्लीट पैकेज रहेगा। बात करते दोस्तों मैथमेटिक्स के लिए कौन सा बुक फॉलो करें, तो देखिए दोस्तों मैथमेटिक्स के लिए आप किरण पब्लिकेशन की इस बुक को ले सकते हैं। इसमें आपका 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, पूरा दोस्तों अपडेटेड बुक है। 1996 से लेकर के रेलवे का अब तक जितने भी एग्जाम हुए सभी एग्जाम का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। दोस्तों खास बात यह है कि आपका पूरा टाइप वाइज क्वेश्चन दिया गया है, तो दोस्तों ये डी बेस्ट बुक रहेगा मैथमेटिक्स के लिए। बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के लिए, तो दोस्तों रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन का इस बुक को ले सकते हैं। इसमें 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया, पूरा अपडेटेड बुक है। 1996 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम हुए सभी एग्जाम का क्वेश्चन दिया गया, तो दोस्तों ये रीजनिंग के लिए दोस्तों आपका कंप्लीट पैकेज रहेगा। बात करते हैं दोस्तों आपका जीके जीएस के लिए, दोस्तों सार संग्रह बुक को ले सकते हैं। इसमें आपका 27,000 प्लस फैक्ट दिया गया है, पूरा दोस्तों सार संग्रह है। 1992 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम हुए सभी एग्जाम का क्वेश्चन इसमें दोस्तों दिया गया है, तो बहुत अच्छा बुक दोस्तों ये लगा। इसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना है, ताकि आपको एक थोड़ा एनालाइज कर सके कि जिस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों इससे आपका बहुत अच्छा आइडिया आएगा। तो दोस्तों ये आपका वॉल्यूम वन है, जो 2021 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था इसमें 1 to 60 सेट दिया गया है, पूरा दोस्तों लेटेस्ट एडिशन है। ये दोस्तों वॉल्यूम वन है, ये आपका वॉल्यूम टू है जिसमें आपका 61 से लेकर 129 सेट दिया गया है। तो दोस्तों ये सभी बुक को अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपको दोस्तों सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं, पहला जो पोस्ट है वो है आपका दोस्तों अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये दोस्तों इसके बारे में बात करें तो दोस्तों अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो पोस्ट होता है ये दोस्तों आपका लेवल टू का वैकेंसी होता है। इसमें आपका जो ग्रेड पे होता है, ग्रेड पे आपका दोस्तों 1900 ग्रेड पे मिलता है, और दोस्तों इसका जो क्वालिफिकेशन होता है वो होता है आपका 12th बेसिस होता है, और इसका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट आता है। बात करते हैं दूसरे वाले पोस्ट की, तो वो है दोस्तों कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये दोस्तों रेलवे का बेहतरीन जॉब है। इसमें आपका जो लेवल होता है लेवल 3 का जॉब होता है, ग्रेड पे आपका 2000 ग्रेड पे होता है। इसमें दोस्तों प्रमोशन का स्कोप भी बहुत अच्छा है, आप 2 साल के बाद सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बन सकते हैं, जिसका ग्रेड पे दोस्तों 2800 होता है, उसके बाद दोस्तों 4200 में डायरेक्ट जा सकते हैं। ये लेवल 3 का डी बेस्ट पोस्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, तो दोस्तों ये लेवल 2 का जॉब होता है। इसमें आपका जो ग्रेड पे होता है 1900 ग्रेड पे होता है, और क्वालिफिकेशन इसका दोस्तों आपका 12th होना चाहिए, 12th वाले ही दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है दोस्तों, इसमें प्रमोशन लेकर के दोस्तों आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बन सकते हैं, जो लेवल 5 का जॉब होता है जिसका ग्रेड पे 2800 होता है। फ्रेंड्स बात करते हैं ट्रेन क्लर्क की, तो दोस्तों ट्रेन क्लर्क का भी बहुत अच्छा पोस्ट होता है। ये आपका लेवल 2 का पोस्ट होता है, ग्रेड पे आपको 1900 इनिशियल में दिया जाएगा। इसका दोस्तों प्रमोशन स्कोप बहुत अच्छा है, हालाँकि दोस्तों इसमें वैकेंसी बहुत कम आया हुआ है। पहले दोस्तों आप लेवल 2 से डायरेक्ट दोस्तों लेवल 4 में जा सकते हैं, जिसका जो ग्रेड पे होता है 2400 ग्रेड पे होता है, जो सीनियर ट्रेन क्लर्क कहलाता है। इसके बाद दोस्तों आप डायरेक्ट लेवल 6 में जा सकते हैं, जो चीफ ट्रेन क्लर्क होता है, जिसका ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे होता है, लेवल 6 का पोस्ट हो जाता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है ट्रेन क्लर्क का भी। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर की। देखिए दोस्तों आप जब इनिशियल ज्वाइन करेंगे तो गुड्स ट्रेन मैनेजर ही बनेंगे आप, इसके बाद दोस्तों प्रमोशन ले करके आगे तक जा सकते हैं। इसमें आपका जो लेवल 5 का पोस्ट होता है, जो ग्रेड पे होगा वो आपको इनिशियल में 2800 ग्रेड पे मिल दिया जाएगा। इसमें दोस्तों प्रमोशन लेकर के आप सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर बनेंगे, जिसका जो ग्रेड पे होता है 4200 ग्रेड पे होता है। इसके बाद दोस्तों आप पैसेंजर ट्रेन मैनेजर बनेंगे, जिसका जो ग्रेड पे 4200 ही होता है, लेकिन आपका दोस्तों सैलरी इंक्रीज कर देता है। पैसेंजर ट्रेन मैनेजर के बाद मेल एक्सप्रेस का दोस्तों आप ट्रेन मैनेजर बन जाएंगे। दोस्तों सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही अच्छा पोस्ट है ये। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं स्टेशन मास्टर की, तो दोस्तों स्टेशन मास्टर का डी बेस्ट पोस्ट होता है।
तो दोस्तों स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है बहुत ही अच्छा पोस्ट है। एक स्टेशन का दोस्तों पूरा मालिक होता है, सर्वे सर्वा यही होते हैं दोस्तों स्टेशन का। तो दोस्तों जो आप बात करते हैं लेवल की, तो दोस्तों ये लेवल 6 का वैकेंसी होता है। इसमें दोस्तों प्रमोशन लेकर के बहुत आगे तक जा सकते हैं। दोस्तों आप डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू दोस्तों जब प्रमोशन लेंगे तो आप इसमें AOM बन सकते हैं, जो असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर होता है। उसके बाद दोस्तों प्रमोशन लेकर के DOM बन सकते हैं, डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हैं। देख सकते हैं स्टेशन मास्टर का पोस्ट कितना अच्छा पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे जो है, ये आपका चीफ कमर्शियल कॉम टिकट सुपरवाइजर है। देखिए दोस्तों ये इस बार दो पोस्ट को मर्ज करके दोस्तों इसको बनाया गया है। जैसे जो बुकिंग सुपरवाइजर होता है और चेकिंग सुपरवाइजर होता है, इन दोनों पोस्ट को दोस्तों मर्ज करके चीफ कमर्शियल कॉम टिकट सुपरवाइजर बनाया गया है, समझे कि नहीं, ताकि दोस्तों आपका दोनों पोस्ट का आपसे काम ले सके। ये दोस्तों आपका लेवल 6 का वैकेंसी होता है, इसका जो ग्रेड पे होता है 4200 ग्रेड पे होता है, और ये ग्रेजुएशन लेवल पे ही दोस्तों इसको वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, समझे कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दो पोस्ट को एक साथ कंबाइंड कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। दोस्तों ये भी पोस्ट बहुत ही अच्छा पोस्ट है, प्रमोशन का स्कोप दोस्तों बहुत अच्छा है। इसमें दोस्तों आप जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट से दोस्तों आप अधिकारी लेवल तक बन सकते हैं, ऑफिसर ग्रेड तक दोस्तों आप जा सकते हैं। इसका दोस्तों जो ग्रेड पे होता है 2800 ग्रेड पे होता है, तो लेवल 5 का पोस्ट है, समझे कि नहीं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आता है, डायरेक्ट वैकेंसी आता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो दोस्तों सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो पोस्ट है, ये भी पोस्ट बहुत अच्छा पोस्ट है, समझे कि नहीं। इसमें आपका लेवल 5 का पोस्ट होता है, ग्रेड पे आपका 2800 ग्रेड पे होता है। तो दोस्तों आपको सभी पोस्ट के बारे में मालूम चल गया होगा कि कौन कौन से NTPC में पोस्ट है और उसका ग्रेड पे क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, लेवल क्या है, सब कुछ दोस्तों आपको डिटेल में मालूम चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसका जो जॉब प्रोफाइल होता है इसके बारे में चर्चा करूँगा, और किस पोस्ट में कितना सैलरी मिलता है इसके बारे में दोस्तों चर्चा करूँगा। अगर आपको विशेष और चीज़ आपको जानना है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके रिलेटेड दोस्तों मैं वीडियो बना दूँगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, धन्यवाद।